everyone, welcome to my channel. So today we are going to make a cute monkey topper with fondant, and this is the topper that we are going to make today. I'm going to show you very simple tricks and tips so that you can make this cute monkey topper for your next dinner theme cake. So let's get started. Okay everyone, so to start with, हम पहले सबसे पहले फॉन्डेंट लेके नीड करेंगे उसे अच्छे से, एंड देन वी विल रोल इट. आप कॉर्नस्टार्च यूज करिए रोल करने के लिए फॉन्डेंट को. हमें थोड़ा सा फॉन्डेंट थिक रखना है, फिर हम इसे सर्कल कटर से काट लेंगे. अब हम एक स्टायरोफोम बॉल लेके उसे अच्छे से ग्लू करके, एंड अब हमें उसमें फॉन्डेंट को अपने स्टिक करना है. रीज़न ये है हमारा स्टायरोफोम यूज़ करने का कि अगर हम फॉन्डेंट का ही ज़्यादा वेट लेंगे तो फिर हमारी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और स्टायरोफोम बॉल बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए उससे हेड बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि हेड पार्ट का वेट आपकी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और बहुत ही लाइट रहेगा हेड पार्ट आपका. So always use styrofoam ball for making a head. अच्छे से उसको पूरा कवर कर लीजिए फॉन्डेंट से. अब हम थोड़ा फॉन्डेंट लेके उसे अच्छे से नीड करके अब हम मंकी का बेली बनाएंगे. ये हमने बॉडी पार्ट बनाया है, इसमें हमने थोड़ा सा बेली निकाला हुआ है मंकी का, क्योंकि वो एक बेबी मंकी है क्यूट सा. अब हम थोड़ा सा पेल फॉन्डेंट रोल करेंगे, इसे भी हमें थोड़ा थिक ही रखना है. देखिए मैंने कितना थिक रखा है इसे. यहाँ पे हम अपना मंकी का फेस पार्ट स्टिक कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्लू लगा के आप उसका फेस यहाँ पे लगा दीजिए इस तरीके से. अब हम मंकी का माउथ बना रहे हैं. माउथ पार्ट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, पर हाँ आप प्रैक्टिस से बना सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हम फेस में जो माउथ पार्ट है उसे सबसे ज़्यादा परफेक्ट बनाएं. देखिए कितनी इजी टेक्निक्स हैं. और कितनी इजीली मंकी का हमारा यहाँ पे माउथ बन गया है. ये हमने यहाँ पे स्माइलिंग फेस बनाया है उसका. अब हम अपने माउथ पार्ट को स्टिक कर देंगे फेस में अच्छे से. मेक श्योर कि वो अच्छे से स्टिक हो जाए. अब हम यहाँ पे मंकी की टंग बना रहे हैं. Thank you.
इस तरीके से आप मंकी की टंग बना लीजिए। अब हम यहाँ पे ड्रेसडेन टूल लेके आईज के लिए कैविटी बना रहे हैं अपने फेस में, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट फाउंडेंट लेंगे और इसे अपनी दोनों आंखों में हम स्टिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी अपना ब्लैक फॉन्डेंट लेके आईबॉल्स बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जेल कलर लिया है और मैं यहाँ पे आईज में छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दूंगी ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे हमारा मंकी। अब हम अपने मंकी के आईब्रोज बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमें मंकी की नोज लगानी है। छोटा सा हमने एक डॉट लेके हम उसकी नोज पे स्टिक कर देंगे। हम लेंगे और उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन देके थोड़ी सी कैविटी बना के हम उसे डार्क ब्राउन कलर का फाउंडेंट स्टिक कर देंगे। अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसलिए ऑलरेडी मेरा फाउंडेंट थोड़ा स्टिकी हो रहा है। अगर आपका भी फॉन्डेंट ऐसे स्टिकी होता है ह्यूमिडिटी में सो आप कॉर्न स्टार्च यूज करते रहिए। सो इस तरीके से हमने ईयर्स बना लिए हैं। अब हम इन्हें बॉटम पार्ट से थोड़ा सा कट करके अपने फेस पे दोनों साइड स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें बेली पार्ट बनाना है अपने मंकी का। मैंने यहाँ पे पेल ब्राउन कलर का फॉन्डेंट रोल किया है और इसे स्लाइटली हार्ट शेप में आप थोड़ा सा काटें। इस तरीके से
अब हम अपने बेली पार्ट में इसे स्टिक कर देंगे इस तरीके से। ध्यान रहे हमें ज़्यादा ग्लू या ज़्यादा पानी नहीं अप्लाई करना है, वरना हमारा फॉन्डेंट फिसलने लगेगा। सो ये हमारा बेली पार्ट रेडी है। यहाँ पे एक आप स्क्यूअर लीजिए और आप अपना हाइट मेजर करके हेड पार्ट को आप अपने बॉडी पार्ट में स्टिक कर दीजिए इस तरीके से। अब हमें अपने मंकी के हेयर्स बनाने हैं। अब हमने यहाँ पे एक सॉसेज रोल किया है और हम इसे इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। यहाँ पे हम अपने मंकी के लेग्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे लेग्स रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें मंकी के हैंड्स बनाने हैं। तो अगेन सेम प्रोसीजर है, आपको एक सॉसेज रोल करना है, उसे आप इक्वल पार्ट्स में काटिए। और ऐसे आप स्टिक कर दीजिए, सिमिलरली लाइक लेग्स, इस तरीके से। ओके, ऑलमोस्ट हमारा मंकी अब 90% रेडी है। ऑलराइट, सो द लास्ट स्टेप इज अब हमें मंकी की टेल बनानी है। सो एक लॉन्ग सॉसेज रोल कीजिए आप पतला सा, एंड विद द हेल्प ऑफ शेल टूल अब हम उसकी क्यूट सी टेल बना देंगे। ओके, सो नाउ आवर मंकी इज रेडी। Please click on the thumbs up button and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.